कहलाती है, मगर हम तो उस अल्लाह के लिए
जो खुद ही अपनी किबरियाई पे नाज कर रहा है और उसे ये नाज करना जेब भी दे रहा है, वो खुद ही अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफें मुझ अल्लाह के लिए हैं। दुनिया में जिस शय की भी तारीफ कीजिए वो उसकी तारीफ नहीं है, वो बनाने वाले की तारीफ है। उसने जमाने को कितना बेहतरीन बनाया है, जमाने में जिस शय की तारीफ कीजिए वो अल्लाह ही की तारीफ है। मैं थोड़ा सा और आप मुनबिक हो जाए तो मैं तबासी नमा करते हुए फरीदा जुमले कहता हूँ, जिस शय की भी तारीफ की जाए वो अल्लाह ही की तारीफ है। निकलते हुए सूरज की तारीफ कीजिए वो अल्लाह की तारीफ है, ढलते हुए चाँद की तारीफ कीजिए वो अल्लाह की तारीफ है, सितारों की चमक हो वो भी उसी की तारीफ है, सूरज की चमक हो वो भी उसी की तारीफ है, चाँद की चमक हो वो भी उसी की तारीफ है, सब्जे की लहक हो, कलियों की चटक हो, फूलों की महक हो, उसी की तारीफ है, दिन की गर्म जोशी हो, रात की खामोशी हो, उसी की तारीफ है, समंदरों की मचलानी हो, लहरों की तुखियानी हो या हवाओं की रवानी हो, उसी की तारीफ है, कुरान में हुस्न यूसुफ की कहानी हो या सुलेखा और उसी पलटी हुई जवानी हो, मुश्किल आयत नहीं रखी कि मुझे उसका तारुफ देना पड़े। मैंने कुरान मजीद की आयत ही को सरनामा सुखन रखी कि जो हर मुसलमान का आस्था दिन में 10 मरतबा जरूर पड़ता है, क्योंकि जितने मकातिब फिक्र हैं साहिबान इस्लाम के सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हदीस रिसालत बाब है, ला सलाता इल्ला बिफातिहा, बगैर अलहम्द तसव्वुर नमाज मुमकिन ही नहीं है। पूरे कुरान को समेटा जाए तो अलहम्द बन जाती है, यानी दर हकीकत हमने पूरे कुरान ही की तिलावत कर ली अलहम्द पढ़कर। पूरे कुरान का इतला करने वाला सूरा है, कुरान मजीद में सूरह अलहम्द के 7 नाम आए हैं, इसे फातिहा भी कहा, इसे सारा मसानी भी कहा, इसे आया सूरह शिफा भी कहा, इसे सूरह इफ्तिताह भी कहा, इसे सूरह हयात भी कहा, इसी सूरह को सूरह सलात भी कहा, पूरा कुरान सिलता तो उस सूरह में आ गया। याद रखिए अल्लाह ताला की अपने महबूब से मोहब्बत का आलम यह है कि सारे नबियों को जो सहीफे दिए, रिसाले दिए, शरीयतें दी, 4 पिछले नबियों को भी 3 किताबें दी, वो अल्लाह ने आसानी से नहीं दी, वो बड़े नखरे से दी हैं। मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, फिर तूर पे बुला के कहा जूते उतार कर आइए, फिर एक हद लगाई इससे आगे ना आइए, फिर आने से पहले रोज़ा रख कर आइए, फिर पीछे का जानशीन बना कर आइए, फिर 40 दिन की इबादत करके आइए, फिर कहा 10 दिन और बढ़ा दीजिए, फिर कहा अब अम्मा नहीं रही तो सफाई कर आइए। कितने नशे कर आए देते हो, मगर जब अपने महबूब को बुलाया, ये कहा ही नहीं कि आप मैदान में आए तो आए तो भेजो, ये कहा ही नहीं कि आप घर में हैं तो ज़रा मस्जिद में आइए, ये कहा ही नहीं कि आप मुसल्ले पे हैं तो ज़रा मेंबर पे आइए, कुर्बान जाओ उस महबूब खुदा के जो जहाँ था आए तो वहीं आए, रज़म में थे तो आए तो रज़म में आए, अगर बाज़ू में थे तो आए तो बाज़ू में आए, अगर मेंबर पे थे तो आए तो मेंबर पे आए, कुर्बान जाइए अगर मक्के में आए तो पूरी सूरा ही मक्का कहलाया, और अगर मदीने में आई तो पूरा सूरा ही मदीने कहलाया। मगर मक्के और मदीने की तो बात दो आप जुम जाएंगे यकीन करें, रसूल खत्मी मर्तबत अगर बिस्तर इस्तराहत पर नींद दराज थे तो जिब्राइल की
इतनी भी जरूरत नहीं हुई कि कहे सरकार जरा बैठिए मैं आयत दे दूं। भाई महबूब खुदा है, अल्लाह कह देता मेरे हबीब जरा बैठिए, है मेरे बशीर, है मेरे नजीर, है मेरे मुजम्मिल, है मेरे मुदस्सिर, है मेरे यासीन। पहले जुमले से अच्छा सुन रही है तो मैं जी चाह रहा हूँ कि मैं भी एक जुमला तो पता सुना दूँ। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं है मेरे वो जो अजीब से अहमद है, जैसे बशीर है, जैसे तहामी है, जैसे सामित है, जिनसे जलाली इलाही है, जैसे हबीबुल्लाह है, जैसे खातिमुन नबीजीन है, ताकसे दलील से जलाले वाले कलाम है, जैसे रसूल को जहान है, जिनसे सिराज मुबीन है, जिनसे शफीउल मुज़नबीन है, जोर से सादिक, जोर से सामिन कुल्ला हमें सुनानी है, बैठिए सूरह इंसान सुनानी है। नहीं मेरे हबीब जिस हालत में है उसी हालत में रहिए, कुरान आ जाएगा। मगर मैं हैरान हूँ जो नबी 550 से ज्यादा रुकू, 6000 से ज्यादा आयात, 114 सूरों के लिए कभी लेटा हो तो उठकर बैठा भी नहीं, इधर फातिमा को आता देखा, उधर अल्लाह का नबी खड़ा हो। क्या है फातिमा जहरा, पूरे कुरान के लिए नबी कभी उठकर भी नहीं बैठे, जहरा के लिए हिदेरों में खड़े हो गए। वो मुस्तफा सुन रहा है और अल्लाह सुना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे हबीब सारी तारीफ इन्हें बता दीजिए मुझ अल्लाह के लिए है, होनी भी चाहिए मैं तुम्हारा भी परवरदिगार हूँ, होनी भी चाहिए मैं अली का माबूद हूँ, होनी भी चाहिए मैं फातिमा ज़हरा का परवरदिगार हूँ, होनी भी चाहिए मैंने हसन और हुसैन जैसों को बनाया है, मैंने ऐसे ऐसे बनाए हैं कि जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है, मैंने ऐसे चेहरे बनाए जो अजूदा कहलाए, मैंने ऐसे हाथ बनाए जो जन्नतुल्लाह कहलाए, मैं इतना बेहतरीन खालिक हूँ कि मैंने अरबों खरबों इंसान बनाए, किसी के चेहरे को किसी के चेहरे से मिलने नहीं दिया, किसी की आँख को किसी की आँख से मिलने नहीं दी। अगर एक रहम के शिकम से आने वाले दो बिल्कुल आइडेंटिकल भी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, बिल्कुल एक शुल्क से एक रहम से एक शिकम से एक वक्त मिला है, मैंने उनके भी उंगलियों के निशानों में फर्क किया। हम मेरे लिए है कि जो मुख्तलिफ बनाने पर आया तो अरबों खरबों बनाता चला गया, बना रहा है और बनाता जाएगा, कब तक नहीं पता। मुख्तलिफ बनाने पर आया तो खरबों बना दिए, और अगर एक जैसा बनाने पर आया तो फिर 12 ऐसे एक जैसे बनाए। सूरत भी एक है, सीरत भी है। देखिए अल्लाह ने उसूल दे रखा, हम अल्लाह की तारीफ क्यों नहीं कर सकते, हम किसी को शायद मखलूक की तारीफ करते हैं। रंग अच्छा है, हाथ अच्छे हैं, कद अच्छा है, गुफ्तगू अच्छी है, देखने में अच्छा है, यही तारीफ करते हैं। मगर जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे, जो छुआ ना जाए, कैसे पहचाने तू है कैसा, आवाज आई के ऐसे पहचानो कि सूरह रहमान पढ़ो समझ आ जाएगा। पूरा सूरह तारीफ अल्लाह की,
ये कहीं नहीं रहा, बोला जो देखता नहीं, बोला जो सुनता नहीं, बोला जिसने इंसान बनाया, बोला जिसने कुरान सिखाया, बोला जिसने बयान करना सिखाया। यानी तारीफ तस्वीर की होगी, मौसूल मुसव्विर को। आप इस कुर्सी की तारीफ कीजिए, लकड़ी की तारीफ नहीं है, चीजों की तारीफ नहीं है, बनाने वाले की तारीफ है। बनाने वाले की कुछ कह रही हूँ भाई, दुनिया को कहिए सूरज इतना बेहतरीन जगह पे अल्लाह ने रखा, कभी कोई नहीं कहता कुछ किया है। हम कहते हैं कितनी पे अच्छा जल रहा है, वहां जहां वो गैसेज ही गई है तो जलने में मदद करते हैं। घर पोर्टल ईंधन जल रहा है एक इलाके के अंदर, वो ईंधन पहुंचा कौन रहा है नहीं खबर। कितने मुतनासिब फासले पर जमीन और सूरज को रखा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं अगर राई के दाने के बराबर हम आगे होते जल के मर जाते, पीछे होते फिर होते मर जाते। जमीन को कितना बेहतरीन बनाया, मैं कितनी देर से कह रही हूँ कितना बेहतरीन कायनात को बनाया। कभी आप तो क्या कोई दुनिया का फिरका नहीं कह सकता मैंने शिर्क किया। सूरज की तारीफ के जरिए अल्लाह समझ आता है, चांद के जरिए अल्लाह समझ आता है, सितारों के जरिए अल्लाह समझ आता है, और अगर उनके जरिए समझाओ जो सूरज को पलटा रहे हैं। सुन चुके होंगे तो आप तो सिर्फ ताजगी ईमान के लिए ना बैठे हैं,
ये मेरी बेटियां, मेरी सहारण जो छोटी बहन बैठी हुई है, ये बैठी मुतवज्जे ही नहीं किया जाता है, मगर दाद के लिए निगाह आपकी तरफ जाती है, क्योंकि इनका दाद देना इनके साहिब इल्म होने की दलील है, आपका दाद देना मेरी मेहनत की दलील है। एक है बच्चे का दाद देना, एक है साहिब इरफान का दाद देना, एक है हमारा नमाज पढ़ना, एक है अली का नमाज पढ़ना। हमारा नमाज पढ़ना हमारे अब्द होने की दलील, अली का नमाज पढ़ना उसके माबूद होने की दलील। अब मैं एक जुमला कहूँ, मुझसे सुन के इतना लुत्फ आ रहा होगा तो जो छठे इमाम तफसीर कर रहे हैं, फरमाया सूरत छठे आका फिर मैं कर पाऊंगा जब मैं चले अजीजान। कहा ये कि इमाम से पूछा मौला सूरह अलहम क्या है, मुस्कुराए ये वो है सूरा के जिसका पहला हिस्सा हम्द है, दूसरा हिस्सा इखलास है, तीसरा हिस्सा दुआ है। हर नमाज में ये वाही सूरा मासूम फरमाते हैं, हर सूरा या मक्के में आया या मदीने में, या मदीने में ये वाही सूरा है जो दो मरतबा आया। फरमाता है आता ही न कसम मेरा नसान, हमने तुम पर अलहम्द नाजिल करी, सवा सात आयात मसानी जो दो मरतबा नाजिल, हमने तुम पर वो सूरा नाजिल किया जो सात आयात रखता है और दो मरतबा नाजिल हुआ, एक मरतबा मक्के में नाजिल हुआ, एक मरतबा मदीने में नाजिल हुआ। इसीलिए नमाज में अलहम्द दो मरतबा पढ़ी जाती है, एक दफा मक्के में आया, एक दफा मदीने में, तो दो मरतबा। ये एक इल्लत, दूसरी इल्लत सुनिए, सात आयात पर मुदसर सूरा है, पढ़ा जाता है दो मरतबा, तो सात आयात और सात। अल्लाह ने दुनिया को बताया है जब तक 14 ना हो जाए हमें इबादत अच्छी नहीं। फरमाते हैं सूरा मुबारका अलहम्द खुलासा कुरान है, जिसने एक मरतबा अलहम्द पढ़ दी उसने पूरा कुरान मुकम्मल कर लिया। कभी गौर किया, हम मिंबर पे आते हैं, पेशवान खारान मिंबर पे आती है, आते ही कहते हैं फातिहा, किसी किसी में अगर ये होती है एहसान सवाब है शहदाए करबला को, तो शहीद को एहसान की जरूरत नहीं होती, और शहीद भी करबला जैसे फजाइल की मंजिल है कह के गुजर जाऊंगी। खालिक होकर मखलूक पर एहसान करना ये उसका कमाल नहीं है, वो है ये अल्लाह कुल्ले शरीक कदीर अलीमुन बिज़ाति सुदूर सत्तारुल अय्यूब अव्वलुल अव्वलीन आखिरुल आखिरीन मुजीबुद दावात खालिकुन नजूम राज़िकुल इबाद। जब है ही अल्लाह कुल्ले शरीक कदीर तो फिर उसका एहसान करना कमाल नहीं, खालिक का मखलूक पर एहसान करना कमाल नहीं, मखलूक का खालिक पर करबला में एहसान कर देना कमाल है, वो मखलूक और एहसान खालिक पर करे, इसलिए उन्हें तो एहसान सवाब की जरूरत ही नहीं है। हम जो अलहम्द पढ़ते हैं ये अलहम्द होती है इफ्तिताह, कुरान मजीद का इफ्तिताह है अलहम्द, कुछ कह रही हूँ। मिंबर पे जिक्र होता है कुरान नातिक का, पहले इफ्तिताह, वो या सामित हो या नातिक, वहां भी जिक्र अलहम्द से, यहाँ भी जिक्र नारे हारी नारे 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 न
الله سوره مباركة الحمد سوره مباركة الفاتحة سوره مباركة سبع مثاني الحمد لله رب العالمين عالمين زیادہ ہے رب ایک ہے کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوا اس دور میں ہر کوئی اپنی مرضی کا رب بنانے کا عادی تھا کیسے بازار میں چلتے ہوئے بندے کم ہوتے تھے رب زیادہ ہوتے تھے چھوٹی بہنوں کو متوجہ کر رہی ہوں حلوہ کھایا حلوے کا معبود بنا دیا یہ سفر کا خدا بیٹی کی شادی کا خدا اور بیٹے کی شادی کا خدا اور بیوی کا خدا اور شوہر کا خدا اور حد تو یہ ہے کمرے کا خدا اور بیوڑی کا خدا اور دکان کا خدا اور گھر کا خدا اور دن کا خدا اور رات کا خدا اور عالم ایک تھا خدا زیادہ تھے اللہ نے سب کو ختم کر کے کہا رب ایک ہوگا عالم زیادہ ہوں گے اب اس کا کیا کیا جائے کہ اللہ ہے ہی وحدانیت پسند وہ کہتا ہے میں بھی ایک میرا محبوب بھی ایک اس کی بیٹی بھی ایک میرا قرآن بھی ایک نیزے پہ قرآن سنانے والا بھی ایک میرا کعبہ بھی ایک کعبے میں آنے والا بھی ایک حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ اسے کا سب ختم کرو عالم زیادہ ہوں گے معبود ایک ہوگا اللہ ایک ہے پھر ساتھ ہی کا الرحمن الرحیم یہی رکن ہے رحمان اور یہ بھی حمد کا حصہ ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم خطابت کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک مصرے میں دو صفات ایسی آئیں کہ جو ایک ہی صفت سے ملقب ہو رحیم بھی رحمت سے ہے رحمان بھی رحمت سے ہے تو اللہ کہہ دیتا حمد اس اللہ کے لیے جو جبار و رحمان ہے جو ستار و رحیم ہے جو رازق اور معبود ہے ذرا کنٹراسٹ ہو جاتا نا اس نے رحمان بھی رحمت سے رحیم بھی رحمت سے آپ کی اور میرے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی معنی میں ہیں ارشاد فرمایا رحمان کا معنی اور ہے رحیم کا معنی اور اب تقریر آسان تھی مجھے آپ کے معیار سماعت کا کچھ کچھ اندازہ ہو چلا میں تھوڑا مشکل تقریر کی طرف جا رہی ہوں رحمان بھی رحمت سے ہے رحیم بھی رحمت مگر جب رحمت عامہ ہو عام رحمت تو وہ رحمان کہلاتا ہے جب رحمت خاصہ ہو خاص رحمت تو وہ رحیم کہلوانا پسند کرتا ہے وہ رحمان سب کے لیے ہے جیسے موسیٰ کو بھی دے رہا ہے وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے وہ ابراہیم کو بھی دے رہا ہے وہ نمرود کو بھی دے رہا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی دے رہا ہے وہ ابو لہب ابو جہل اور مکے کے جتنے بیٹے ابو تھے سب کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہا ہے اب اگر اللہ فرعون کو دے رہا ہے سوچ کر بتائیے گا تو کیا کوئی عقل کا دشمن اگر یہ کہے اگر اللہ فرعون سے ناراض ہوتا تو کیا اسے اتنی دولت دیتا آپ کہیں گی اس لیے نہیں دے رہا کہ فرعون اس قابل ہے کہ دیا جائے اس لیے دے رہا ہے کہ وہ رحمان ہے فرعون کے مستحق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے رحمان ہونے کی دلیل تو پھر اس کی صفات ہی کے مظہر کو علی کہتے ہیں اب دنیا والے شیعوں سے یہ نہ پوچھے اگر وہ برے تھے تو علی مدد کرنے کیوں گئے اس لیے نہیں گئے کہ اب وہ حقدار مدد تھے اس لیے گئے کہ علی مظہر رحمانیت ہے اور ویسے بھی اس لیے گئے
शेख मुफीद अलैहिर्रहमान से किसी ने सवाल पूछा, हमारे जलील कदर आलिम आपके काजमैन में आपके साथ में इमाम के पहलू में दफन है, कहा ये बताइए कि अगर वो अली को इमाम नहीं मानते थे, अली उनकी मदद करने क्यों आते, वो लेने देते हलाक? भाई मैं अपनी बहनों को एक बात बता दूं, अली का जो दुश्मन होता है ना, अल्लाह उससे कुछ नहीं छीनता, न दौलत छीनता है, न इज्जत छीनता है, न शोहरत छीनता है, न हयात छीनता है। वाहिद चीज जो अली के दुश्मन से छीनता है वो अकल है। अकल होती तो अली से दुश्मन ही करता। वाहिद चीज अली के दुश्मन से, हाल तो ये है, अली पूछते हैं मैं आज के रास्ते बताऊं, और बेअकले सर के बाल ही पूछते रह जाते हैं, तो फिर अकल छीन लेता है ना। अब जैसे शेख मुफीद से कहा कि जब वो अली को, जो अब तक भी बहन नहीं बोली, जो अली को इमाम मानते नहीं थे, तो अली उनकी मदद करने आते क्यों थे, अल्लाह फिरौन को देता क्यों है, तो मुस्कुरा के शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि पहले ये ना पूछिए कि अली उनकी मदद करने आते क्यों थे, पहले ये बताइए जब वो अली को इमाम मानते नहीं थे तो अली को मदद के लिए बुलाते क्यों। करीम वो है जो देने में कष्ट कदर करे। आपने शेर पढ़े, मेरी भी शायराना मिजाज आपने बेदार कर दिया। करीम वो है जो देने में कस्त कद न करे, सखी तो वो है जो दस्ते सवाल रद्द न करे। मैं कैसे एतराज तेरा मान लूं वाइज, मैं कैसे एतराज तेरा मान लूं वाइज, अली अली नहीं रहता अगर मदद न करे। अली अली नहीं रहता इसलिए नहीं आ रहे कि वो इस काबिल है। अली 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 अल्लाह ने आलमीन के साथ लफ्ज़ रहमान रखा, मालिक यौमिद्दीन के साथ लफ्ज़ रहीम रखा, क्योंकि रहमान दुनिया में है, रहीम आखिरत में है, सबको दे रहा है चूंकि रहमान है। फिरौन ज्यादा खुश ना हो, दे रहा हूं क्योंकि रहमान हो, मगर जब रौदे नील में रास्ता बनेगा फिर हर एक को नहीं दूंगा, सिर्फ मूसा वालों को दूंगा, क्योंकि रहीमियत का ताल्लुक खास से होता है। भाई चूंकि रहीमियत का ताल्लुक खास रहमत से है, रहमानियत का आम रहमत से है, तो मूसा को भी दे रहा है फिरौन को भी, मगर जब रौदे नील में रास्ता बना फिरौन डूब रहा था, रहीमियत इससे दूर थी, डूबते डूबते बोला, अभी तो कह रहा था अना रब्बुकुमुल आला, अब जो डूबा तो कहा बचा ले खुदाया, खुदाया मुझे बचा, मैं हलाक हो रहा हूँ, कुछ याद आया, मुझे बचा मैं हलाक हो रहा हूँ, मुझे बचा मैं। भाई झूठे की निशानी ही ये है कि हलाकत से बचने के लिए सच्चे के दरवाजे पे आ जाता है, कभी ला ला कहते आता है, कभी मौला के अली अली सबके मौला अली अली सब में मिलेंगे अली
हलाकत से बचने के लिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की निगाह में फिरौन छोटा दुश्मन है। जो अली का हक मार गया वो बड़ा दुश्मन है। दलील यह है कि फिरौन ने एक बार कहा मैं हलाक हो रहा हूँ बचा, और जो अली का दुश्मन था 70 बार कहा ला ला अली ला हलाका। अगर अली न होते ला ला लाम से लाम बाओ नौ ला मी मौ मौ लाम। उर्दू आती है सबको, हुरूफ अल्फाबेट जानते हैं उर्दू के, जरा सोचिए तो सही लाम और मीम में कितना फासला है। लाम के फौरन बाद आए 70 बार मलऊन ने कहा ला ला अली ला ला अली ला ला अली, कमबख्त एक बार दिल से कहता मौला अली अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक रहमानियत का ताल्लुक रहमत आमा से, रहीमियत का ताल्लुक रहमत खासा से। रहमान सब के लिए, रहीम किसी किसी के लिए। भाई रहमान है तभी तो बेटे देता है, हम इस काबिल ना भी हो देता है। अब मक्के में जो भी आ जाए ना और मांग ले, अबू लहब मांगे ले जाए, अबू जहल मांगे ले जाए, और कोई बेतुकाबू मांगे ले जाए, सबको बेटे दे रहा है उनके घर में क्योंकि रहमान है। मगर जब रहीमिया जाहिर करेगा तो किसी के घर नहीं अपने घर में। रहमान सबके लिए है, रहीम अबू तालिब के लिए है। अबू तालिब का बेटा मेरे घर में आएगा। सबको दे रहा है दावत इस्लाम क्योंकि रहमान है, मगर अली का इश्क किसी किसी को देता है क्योंकि रहीम है। सफर की थकान आपने उतार दी है, कहा ये कि सबको देता है। अच्छा अमीरुल मोमिनीन से सुन लीजिए, आप यहाँ तक आ गई। अच्छा सुनकर मौला से पूछा, मौला ये बिस्मिल्लाह में भी रहमान और रहीम साथ है, अलहमद में भी रहमान और रहीम साथ, तो रहमान और रहीम एक सा है? मौला ने फरमाया याद रखो, रहमानियत का मजहर नबूवत होती है, रहीमियत का मजहर इमामत होती है। भाई रहीमियत है किसी किसी के लिए, रहमानियत है सबके लिए। या रसूल अल्लाह सब कहते हैं या अली, दुनिया में रहमान है आखिरत में रहीम है, दुनिया में सबको पाल रहा है, सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है, सब पे बारिश बरसा रहा है क्योंकि नबी का सदका है। कयामत में सिर्फ अली वालों को देगा क्योंकि रहीमियत का ताल्लुक इमामत से होता है। इसीलिए अली को साकी कौसर कहा, अली को कसीमुन नार वल जन्ना कहा, अली को जवाजुल जन्ना कहा, क्योंकि महशर का ताल्लुक इमामत से होता है। हमद पूरी हुई। अब बोलिए तो भूल बोलते रहिए, मगर मुझे भिखारियों और जेलों में जाना है। आगे बढ़ते हैं। हमद पूरी हुई। अगला हिस्सा इखलास। इखलास क्या? तू ही तू है, फकत तू शुद्ध, मैं नहीं शुद्ध, सिर्फ तू ही तू, मैं हूं ही नहीं। अपने आप को मुसल्ले पे खड़ा करके आमादा इबादत करके पहले उसे किया खुश। जैसे वकील आता है, भाजी आपके बच्चे जी हैं, आपके शौहर जी हैं, आपका ये हो वो हो, जब आपने मुड़ के देखा मांगने का असूल ही है, पहले तारीफ की जाती है फिर मांगा जाता है। अल्लाह की तारीफ कर ली, अब कहा अब ट्रैक पे आ गए। या कहना पहला हिस्सा तहमीद थी, हमद थी, अब इखलास आया। फकत तेरे बंदे हैं। पाकिस्तानियों को तो ज्यादा पता है या का नाम बदू या का रास्ता है ना, बस इतना ही कहूंगी कहीं मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ जाए। हम तेरे ही अब्द हैं, तुझ ही से
इस जुमले को रट दिया मुसलमानों ने, जब अल्लाह कह रहा है हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, यानी मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो फिर यार की मदद क्यों कहते, या हुसैन क्यों कहते, ये तो कुफ्र हो गए। अभी तो कहा है मदद तुझसे, तो मदद से पहले तो कहा इबादत भी तेरी, कहा ना इबादत तेरी, करेंगे कैसे। पूरे कुरान को अलहम से अंदाज तक पढ़िए, दो रकात नमाज का तरीका नहीं है। पूरे कुरान में अल्लाह ने सिवाय वजू के, सूरह मायदा की चचिया, इसके अलावा कोई इबादत का तरीका नहीं है। पूरे कुरान में कहा अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ना भी कायम कीजिए, कैसे चुप। अच्छा जहां कहा अकीमुस्सलात वही कहा दूसरा काम, हालांकि नमाज और जकात का जोड़ कोई नहीं है। नमाज पहला फर्ज है, जकात चौथा, पहले और चौथे की बनती कोई नहीं। आप पता नहीं क्या समझिए, जोड़ नहीं बनता ना, नमाज और रोजा साथ हो जाता है। रोजे में नमाज हो जाती है, नमाज में रोजा होता है, हज में नमाज होती है। जकात तो सारी दुनिया अलग देती है, नमाज अलग पढ़ती है। या अल्लाह तूने जकात और नमाज का इकट्ठा जिक्र क्यों किया, सारी कायनात जकात अलग देती है, नमाज अलग पढ़ती है, क्या मुझे सारी कायनात से लेना देना नहीं, वो देखिए एक अली नमाज भी पढ़ा है जकात भी। तो नमाज का तरीका बताएगा कौन, अली मौला, अली मौला। तो कहा इबादत कैसे करेंगे, जैसे नबी बताए। नमाज का तरीका तो अल्लाह ने कुरान को मुश्किल इसीलिए रखा ताकि जमाना मुश्किल को सका मोहताज रहे, आसान नहीं रखा कुरान को। हुक्म देते रहे वो बताते रहे, नमाज कैसे पढ़नी है वो देखिए जैसे वो पढ़े, रोजा कैसे रखना है जैसे वो रखे, हज कैसे करना है जैसे वो करे। तो जब इबादत वैसे करनी है, छोटी सी बात है, सूरह अलहम पे बहस है, कोई आए, अब आप चूंकि माशाल्लाह सारी साहिबानी मैंने बैठी हुई है तो मुझे बताने की तारीख तो जरूरत नहीं, कोई साहब आपके पास है और आके कहे जनाब हम तो आज नमाज में अलहम्द की जगह सूरह बकरा पढ़ेंगे, आप कहीं बाद में पढ़िए, अलहम्द की जगह नहीं पढ़ सकते। अच्छा अगर कोई कहे मैं सूरह फील पढ़ लूं, वो और भी बड़ा जानवर है। अक्सर बच्चे कहते हैं जब बकरा इतनी बड़ी है तो फील कितनी बड़ी होगी, वो और भी बड़ा है सूरह, नहीं सूरह छोटा है जानवर बड़ा है। कहा आप कोई सूरह नहीं पढ़ सकते, अब बेदार है मैं कीमती जुमला कह रही। एक साहब आके बोले हमारे अब्बा वसीयत कर गए थे कि अलहम्द की जगह सूरह जाशिया पढ़ना, पढ़ सकेंगे। दूसरे साहब आए आके बोले मुसलमानों ने शूरा करके नतीजा निकाला है, समझ आया कि अलहम्द की जगह सूरह आदियात पढ़िए, आप कहेंगे नहीं पढ़ सकते। तीसरे ने आके कहा हमने एक कमरे में इकट्ठे होकर इस बात पर इजमा किया है कि अलहम्द की जगह सूरह इखलास पढ़ी जाए, आप कहेंगे ना इजमा काम आएगा ना शूरा। जजाक मजने समझ आ रहा है ना, बस ये क्यों अलहम्द की जगह कोई सूरा नहीं लेगा, क्यों अलहम्द में क्या कमाल है। तो अलहम्द के लिए कुरान में कोई आयत नहीं है,
आयतें पढ़िए। बस अलहम्द की जगह कोई इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अलहम्द का इंतखाब अल्लाह ने किया है, ऐलान मुस्तफा ने किया है। पता लगा जिसका भी एक इंतखाब अल्लाह करे और ऐलान 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 गदीर में ऐलान, उसकी जगह कोई नहीं लेगा। तो जब अलहम्द की जगह कोई न शूरा वाला लेगा, ना इजमा वाला लेगा, ना वसीयत वाला लेगा, तो फिर अली की जगह भी न शूरा वाला लेगा क्योंकि उनका भी इंतखाब अल्लाह ने किया है, ऐलान रसूल अल्लाह ने किया है। अलहम्द की जगह कोई सुना नहीं ले सकता। रसूल ने बताया अलहम्द पढ़ लिया है, पढ़े हैं या नहीं? तो फिर अगर जुमला कहूँ तो गलत तो नहीं? नमाज इया का नाबुलू या का नसाई पढ़ने के बाद नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे रसूल ने बताई, तो या का नाबुलू पढ़ने वाले, फिर सुनिए, या का नाबुलू पढ़ने वाले इबादत वैसे करेंगे जैसे रसूल ने की, तो इया का नस्ताइन कहने वाले मदद उसी से लेंगे जिससे रसूल ने ली। अब अगर खैबर में सामने की बात है, उन्हें तो लेके ही नहीं गए थे, खफा खफा रहते थे, तो कहीं नहीं देते। रसूल ने कहा अली को नहीं लेके जाएंगे, ये रहा मैदान, वो रहा खैबर, जाओ और करो। फिर जो कुछ हुआ वो आपको बताइए। आखिर रसूल ने 39वें दिन ऐलान किया अब मैं आलम किसी मर्द को दूं। कई मर्तबा सोचती हूँ यार रसूल अल्लाह ये जो लश्कर लेके गए थे ये क्या था, ये शहरत नहीं थे? तो अब जब परिनाते बनी ना तो समझ आया 1400 साल के बाद भी उम्मत जेंडर के मामले में इतनी कंफ्यूज है। मैं पाओ फुला लिहार मैं मदीने चला कभी नहीं, मैं खा बिच देखे आका मैं पैरी पै गई रो रो के, दाढ़ियां तक होगी पैरी पै गई, मैं चली मैं आई। सोचिए जब 1400 साल के बाद जेंडर इतनी कंफ्यूज है तो फिर जमाना है जाहिलियत में पता ही नहीं लग रहा था। रसूल ने कहा अब जिसके अलम ढूंढूंगा मर्द होगा। अच्छा दुख की बात यह है पढ़ी ना हो दे अली, अल्लाह आता मदद के लिए। अबू लाला मौदूदी ने तफ़सीर में जो जुमला लिखा वो कहते शिया ज्यादा खुश ना हो ना दे अली है, मगर ना दे अली में नजफ वाले अली को नहीं बुलाया, वो भी तो अली उलजीम है जो रहमान है रहीम है मोमिन है मुतकब्बिर है हाफिज है मुहाफिज है हफीज है शकूर है मशकूर है राज़िक है रज़ाक है, उसी को बुलाया है आखिरी जो है उसी को बुलाया है। तो फिर मुझे ये ना बताइए बुलाया किसे। देखिए असूल यह है मेरे से पहले जिस बच्ची को बुलाया होगा पेशानी के लिए वही आई होगी। अब अगर मैं आके कहूँ आज मैं सलाम पढ़ूंगी तो डॉक्टर साहब कहेंगी आपको तकरीर के लिए बुलाया है, क्योंकि जिसे जिस काम के लिए बुलाया जाए असूल यह है कि वही आए। हमें ये ना बताइए कि खैबर में बुलाया किसे, चश्मा लगा के बताइए मदद के लिए आया। सीधी सी बात है अल्लाह को बुलाओ जब भी अली आते हैं, अली को बुलाओ जब भी। हमें तो अच्छी तरह जहाँ तक पहने बैठी अगर मेरे वाला अकीदा है, हमें तो अच्छी तरह यकीन है कि अली को बुलाया था और अली ही आए थे, मगर नुसैरी को कौन समझाए। गरीब सोच रहा है जिसे बुलाया था वो ही आया है। अक्सर नुसैरियों में ये दस्तूर है सुना, अक्सर नुसैरियों में ये दस्तूर है सुना, बच्चा जो इनके घर कोई होता है बरमला ले जाके उसको कोह पर वो फेंकते हैं चा, जिए अली का बंदा मरे बंदाए खुदा। बच्चे की जान जाने से डरता नहीं कोई, बच्चे की जान जाने से डरता नहीं कोई, और ये नाम का असर है कि मरता नहीं कोई।
ये नाम का असर है के मरता नहीं को है। दूर था मदीना, ये रसूल की आवाज पे अली कैसे मदीने से 7 दिन के फासले में पहुंच गए? बेवकूफ फिर वही अकल की कमी। सवाल तो ढंग से पूछा करो, पहले ये ना पूछो अली वहां से यहाँ कैसे आए, पहले ये बताओ रसूल की आवाज यहाँ से वहां कैसे गई। अरे गई बात अली की, हमसे कभी किसी ना सिकंदर की बात कर, हैदर की बात कर, या गजनफर की बात कर। और यसरब से एक जस्त में खैबर पहुंच गया, यसरब से एक जस्त में खैबर पहुंच गया, हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। हैदर की बात छोड़ तू घोड़े की बात कर। ना दे अली पड़ी इबादत उसी की है, जैसे तारीफ उसकी है वैसे इबादत भी उसी की है, मदद भी उसी से मांगते हैं, नतीजा दे रहेगा उसी से मांगते हैं। कोई नाबीना, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी लोकेशन मेन जीटी रोड पे है, कोई नाबीना यहाँ से रोड क्रॉस करने लगे वो मंजिल को बाद में पहुंचेगा, जन्नत में पहले पहुंच जाएगा। ऐसे ही है ना, मजलिस से बच्चियां बाहर निकल रही हो, कोई बुजुर्ग खातून हो वो कहे बच्चियां मुझे सड़क पार करा दो, मुझे रोड क्रॉस करा दो, मेरे पास बिनाई और ताकत दोनों नहीं है, तुम्हारे पास ये सलाहियत अल्लाह ने दी है, अल्लाह की दी हुई सलाहियत को बरूए कार लाकर मेरी मदद करो। अल्लाह तो हाथ पकड़ के आई है अम्मा कह के सड़क क्रॉस कराने से रहा, वो आए तो अल्लाह ना रहे, हम जाएं तो जिंदा ना रहे, वो आ नहीं सकता हम जाना नहीं चाहते, तो जरूरत है दरमियान में किसी एक ऐसे की जिसका एक सिरा यहाँ मिला हो। जिसे अल्लाह ने कुव्वत बीनाई दी वो अंधे की मदद करे, जिसे अल्लाह ने कुव्वत सलाहियत ताकत दी वो कमजोर की, तो जिसे अल्लाह ने सलाहियत मुश्किल खुशाई अता करी। एक सिरा यहाँ मिला है, एक सिरा वहाँ मिला है, चौथी सूखी रोटियाँ खाकर बताते हैं हम अल्लाह नहीं हैं, और महशर में जन्नतें बांट के बताते हैं हम तुम्हारे जैसे भी नहीं हैं, 13 रजब को काबे में फैला होकर बताते हैं हम अल्लाह नहीं हैं, और दीवार तोड़ कर बताते हैं तुम्हारे जैसे भी नहीं हैं, रोटियाँ खैरात करके बताते हैं हम अल्लाह नहीं हैं, और फकीरों को अदा करके बताते हैं तुम्हारे जैसे भी नहीं हैं, अरे मिंबरे सनूनी पर इबादत करके बताते हैं अल्लाह नहीं है, और पर्दाए मेराज में बोल कर बताते हैं तुम्हारे जैसे भी नहीं। हैदरी हाली हाली, एक सिरा यहाँ मिला है, एक सिरा वहां मिला है। अली से बुग्ज भी है और हज की ख्वाहिश भी, मुंह देखो और ख्वाहिशें देखो, अली से बुग्ज भी है और हम वाहिद कौम है हज खुशी से करते हैं। एक बुजुर्ग को भी मार मार के कहते देखी दीवार, बाकियों को तो सतवा ही मार देता है। 12,000 साल हो गए हैं काबे को बनने में, 12,000 साल, इतने अरसे में काबा हजारों मरतबा बना, पूरा मक्का बदल गया, 2 चीजें मक्के की नहीं बदली, एक काबे की दीवार नहीं बदली, एक शैतानों की तादाद नहीं बदली, 2 चीजें नहीं बदलने गया। अल्लाह एक सिरा यहाँ मिला है, एक सिरा वहाँ मिला है।
सकोगे, लाभ करो कोशिश, शबाहत ना मिटा सकोगे, ताबा पे जो लिखी है तहरीर रब ने, अली को ना भुला सकोगे। नारे खुदा की सबसे बड़ी पहचान है यही चौना, उसके होने की दलील है यही चौना। हमारा काम है इनके करीब होना, इनका काम है उसके करीब मखलूक को कर देना। इस हद तक अमानतदार है ये चौदह, मौजज़े अपने दिखलाते हैं, साथ उसकी मनवाते हैं। अल्लाह तो पढ़िए, जो कोई शख्स आदत बना ले सोने से पहले सूरह अलहम्द को एक मखसूस आदाद में, जितनी भी आपके लिए आसानी हो, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी मकसद के लिए पढ़कर सो जाए, मकसद भी पूरा होगा, अपनी शख्सियत में तब्दीली महसूस कीजिए सोने से पहले। और जब दुनियावी मकासद, मुझे घर मिल जाए, मुझे अच्छी गाड़ी मिल जाए, मुझे बच्चे मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, जेवर मिल जाए, ये मिल जाए वो, फिर इन्हीं दुआओं में एक दुआ शामिल कीजिएगा, मुझे यूसुफ सहरा का दीदार मिल जाए, मुझे अल्लाह का हुसैन मिल जाए, क्योंकि जिससे उसके आने की जरूरत हुआ कीजिए। कल रोज का शुरू था, कितने बेकरार थे आप, बार बार जी में ख्याल आ रहा था काश आज के दिन हम करबला होते हैं। या लैतनी कुंतु माकुम फफूज माकुम फौजन अज़ीमा, मैं कोई दुआ कर रहा था आपकी सिर्फ करबला सुनी है, कभी उसकी बेकरारी का अंदाज़ा फरमाइए जिसे हर रोज़ हर रोज़ और हर रोज़ इमाम हुसैन का वो कुर्ता दिखाया जाता हो जिसमें कहीं तीरों का निशान है, कहीं तलवारों का निशान है। सदारों मुहर्रम की 11 तारीख है, दस्तूर दुनिया है जब किसी के घर में कोई मरता है तो अगले रोज इलाके के लोग ताज़ियत करने आते हैं। कहाँ से समझाऊँ तारीख की वो हौलनाक मुसीबत जो दयारे खैर में ज़हरा की बेटियों पे आई है। हज़रत फ़िज़ा खुद रिवायत करती है कि जब 11 मुहर्रम को यजीदी लश्करी अपने मरे हुओं को दफनाने लगे तो ज़हरा जाई ने आहिस्ता से कहा, फ़िज़ा से कहो वो जो पत्थर के नीचे लाश है अल्लाह की हाय कबूल करे, हाथ वही उठता है जिस हाथ को ज़हरा ने खैरात देनी होती है। मैं हमेशा मजलिस में कहती हूँ घुट घुट के न रोया कीजिए, घुट घुट के वो रोए जिसका हुसैन कुछ लगता ना हो। हमारे पास इमाम ने फरमाया, अबू बसीर क्या मेरा बाबा तुम्हारा कुछ नहीं लगता, कहा मेरा आका हुसैन है, मेरा मौला है। फरमाया फिर रोते क्यों नहीं हो? अबू बसीर ने अपना रुमाल दिखाया, मौला आंसुओं से तर है, मैं रो तो रहा हूँ सुन पाएंगी? फरमाते हैं कंधे पे हाथ रख के मौला फरमाते हैं, अबू बसीर जब मेरे बाबा को रोया करो तो घुट घुट के न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे हमारी दादी ज़हरा रोती है। क्या मुझे दिखाई नहीं देता ज़हरा कैसे रोती हैं? मासूम फरमाते हैं वो सर पे हाथ रख रख के कहती है, हाय मेरा प्यासा हुसैन। अजर को भल्ला बुलंद आवाज़ से रोया कीजिए, ज़हरा बुलंद रोए और हम घुट घुट के रोए, सकीना पे रोने के दिन शुरू हो गए हैं। आप रोएंगी आपको पानी भी मिल जाएगा, आपको रोने पे कोई ताजियाना नहीं मारेगा। सलाम अली की बेटियों पर, क़यामत का जुमला था। फरमाती हैं फिज़ा इनसे कहो
मेरे भाई को दफना दे, ये रसूल का नवासा है, हुसैन बेगौरव कफन है। तो कयामत का जुमला फिसल साथ हंसा और हंस के कहता है, अली की बेटी से कहो मैयतें तो मुसलमानों की दफन होती हैं। अजरों को अल्लाह की हाय कबूल करे। अरे कौन हुसैन? अल्लाह का सबसे बड़ा नुमाइंदा है अर्ज हुसैन। कौन हुसैन? जिसको 40,000 मुफ्तियों ने वाजिबुल कत्ल करार दे दिया था। जो हुसैन को मारेगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। दो जुमले पढ़ूंगी, फजाइल बहुत पढ़ गई हूँ मैं, मसाइब लंबे पढ़ने की आती नहीं हूँ। दो या तीन जुमले कहूँगी, पढ़ना मेरा काम है। रोती वही आँख है जिसके करीब रुमाले जहरा आ रहा हो। आजादारों, सर से पाँव तक जख्मों में चूर हुसैन जंग कर रहे हैं और ये कहते हुए आगे बढ़े, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे असगर को मारा, मेरे कासिम को मारा। ये हमला अब्बास की तरफ से, ये हमला अमीर की तरफ से। कि आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिया रब्बिक राधियतन मर्दिया। बस इस आवाज का आना था, मेरे मौला ने तलवार का खून रुमाल से पोंछा, तलवार को नयाम में रख के पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो रोने आई है पहले, हमीद इब्ने मुस्लिम के तक बिकी हुई फौजें इकट्ठी होने लगी। किसी ने तमीज नहीं की कि हुसैन कौन है। हुसैन बता रहे थे, मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। रियाजुल कुद्स लिखती है, जिसके हाथ में जो आया, जिसके हाथ में जो आया, जिसके हाथ में जो आया, उसने हुसैन की तरफ मारा। और सिर्फ मारा नहीं, जिसने जैसे चाहा मारा। जिसके हाथ में तीर आया उसने तीर मारा, जिसके हाथ में तलवार आई उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नैजा आया उसने नैजा मारा। जनाबे ज़ैनब आलिया फरमाती है, मेरे भाई को तीरों से मारा गया, तलवारों से मारा गया, पत्थरों से मारा गया, गुर्ज से मारा गया, पर्चियों से मारा गया, तबर से मारा गया, कुल्हाड़ों से मारा गया, लाठियों से मारा गया। कभी भी मैदान जंग में लाठियां नहीं होती। फरमाया, टूटे हुए हथियारों के जो पास पड़े थे, इधर मेरे भाई ने सी छोड़ी जब टूट पड़े। अशोक मदन यही हक है। जहरा बैठी है पुरसा लेने के लिए, मैं अच्छी अच्छी दुआ नहीं दे पाऊंगी। अल्लाह करे जिन लबों से हाय गरीब अदा हो, साल न गुजरे ये होन करबला वाले की चौखट को चूमा। जिन हाथों से मातम हो, खुदा करे वो हाथ जब दुआ के लिए उठे कभी रद न हो। आखिरी जुमला आजाद आ रहा, जब घोड़े ने महसूस किया रकाबों में वजन नहीं, उसने हुसैन को जमीन पर मुंतकिल किया। ये वो वक्त था जहरा कलाल पीरों के मुसल्ले पे आया, एक शकी हुसैन के दाएं आया एक बाएं। दो पाए थी हुसैन, एक है कातिल चार है। अरे 18,000 मारने वाले हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं। हारिस बिन नौफल आगे बढ़ा, एक पत्थर हुसैन के होंठों पे मारा, माला के होंठों से खून जारी हुआ, आसीन से खून पहुंच के कहा, अब्बास हम अकेले रह गए। जज़ाकअल्लाह अब्बास, जज़ाकअल्लाह अब्बास, हम अकेले रह गए। बिने काहिल आगे बढ़ा, पसलियों में नैजा डालकर हिलाने लगा। हारिस बिन नौफल ने सहशोभा तीर हुसैन के सीने में मारा। तीर निकालते तो कलेजे की रगें निकल आती। हुसैन ने पहले निकालने की कोशिश करी, जब न निकला तो मेरे मौला ने तीर पे दोनों हाथ रखे और ये कह के दबा, या ज़हरा। सीने पे लगा तीर, पुश्त से पार हुआ, खूनी करीब आया, गरम गरम रेत हुसैन के जख्मों में डालने लगा। हसीन बिन अमीर आगे आया, हसीन बिन अमीर ने नैजा लिया, हुसैन की शहरत में गाड़ा। शिमर आगे बढ़ा, पुश्त गर्दन पे बैठा, अब जो छुरी चली ज़ैनब ने देखा, मदीने का रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूल अल्लाह व इन्ना लिल्लाह।
रसूल अल्लाह तुहाई है, रसूल अल्लाह तुहाई है, उम्मत बेटे को कत्ल कर रही है। मौला फरमाते हैं हमारे दादा को इसे ऐसे कत्ल किया जैसे जमाने जाहिलियत में वहूश और पत्थर रब पाले हुए भेड़ को जिबा किया करते थे। भूखे भेड़िए हुसैन पे गिरे हुए थे, सलाए फातिमा गूंज रही थी, हुसैन या जहरा कह रहे थे, ज़ैनब या रसूल अल्लाह कह रही थी, सकीना या हुसैन कह रही थी, और जहरा की सदा रही थी अब्बास अब्बास अब्बास, मैंने हुसैन तेरे हवाले किया था। महबूब वाली से कुर्सी के जहर को सहन और आसान इस कुर्सी का दीवार बारियान का फरशा बिछाना, अपनी बार बाहर मुस्तजा आने वालों का आना कबूल फरमा। अब जितने कदम चल के आए हर कदम नुसरत हुसैन ने करार देना, हमारे बीमारों को शिफा, आसिमों को रिहाई, इम्तिहान देने वालों को कामयाबी अता, इस घर को इस घर के मकीनों को गर्म हवा से भी महफूज रखे, और चाबा के बच्चों को शानदार और मुस्तकबिल अता फरमा, अनियां के रिस्क रोजी में वसत अता फरमा, आने वालों को भी बामुराद कर। बस एक जुमला सुन लीजिए वास्ता उसका, खूनी मंजर था करबला में, सीने पर बैठ कर बराहे रास्त पुष्ट गर्दन से नहीं जिबा किया, शहादत उसमें पता थी, मौला को पांव से करवटे दिला रहा था, जिसने अभी भी हाय न कहा उठे मजलिस, पांव में जूता भी पहना हुआ था। ज़ैनब चिल्ला के कह रही थी ये कुरान है कुरान, खून मंजर था, मौला की सुल्फों को झजो रहा था। पढ़िए ज़ियारत नाहिया, अगर बगैर हवाला पढ़ूंगी तो आप मुझे खताबार कहेंगी या मुझे मार डालेंगी। अज़ादारों सलाम उन रुखसारों पर जिन्हें दाढ़ी से पकड़ कर तमाचे मारे, सलाम शहीद पर जिसे पेशानी के बालों से पकड़ कर कत्ल किया गया। ये खूनी मंजर सकीना से न देखा जाता, बीबी ने सकीना की आंखों पे हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद जब ये खूनी हंगाम रुका, सकीना की आंखों से हाथ हटाया, पता है बच्ची ने क्या देखा, शिमर हंसता हुआ बच्ची के करीब आया और बोला सकीना अपने बाप से मिलोगी। बच्ची तो वैसे ही मुश्ताक हुसैन थी, जैसे ही बच्ची ने कहा कहाँ है बाबा, इसने अबा का दामन हटाया, एक कटा हुआ सर जिसकी रगों से ताज़ा लहू टपक रहा था, पेशानी के बालों से पकड़ कर बच्ची के आगे कर दी, लो सकीना अपने पापा से मिलो, खुदाया तुझे बाप और बेटी की मोहब्बत का असर, तुझे गरीब बाप की मोहब्बत का असर, और अमीर बाप रसूल की उस गरीब बेटी ज़हरा का वास्ता। ये दयार पर दयार शहर पर शहर कूचा कूचा हुसैन के पुरसे के लिए पढ़ती हैं बानियान और हाजरीन जो जो मुल्तवी से दुआ है, उठे हुए हाथों को बसत खाए हुसैन इब्ने अली बा मुराद फरमा। मेरे साथ मिलकर कहिए गम कोई न दे हमको सिवाए गम शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तू इधर दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन Yo, Hussein, 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 Yo, Hussein,
Ya Hussein.